हेलो सो गाइज, वेलकम बैक यू ऑन चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में फ्यूचर मार्केट के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। फ्यूचर मार्केट के हर एक पार्ट्स को समझेंगे और मैं आपको यहां पर लाइव डेमो करके भी बताऊंगा कि किस तरह से आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन गाइज, इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंट समझ लेते हैं कि कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट, ये दोनों में डिफरेंट क्या है। लेकिन इससे पहले बहुत सारे लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शन में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। एक फ्यूचर ट्रेडिंग अलग होती है और ऑप्शन ट्रेडिंग ये भी अलग होती है। हम यहाँ पर ऑप्शन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे सिर्फ फ्यूचर की ही बात कर रहे। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि फ्यूचर मार्केट और कैश मार्केट, ये दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले कैश मार्केट की बात कर लेता हूँ कि कैश मार्केट क्या होता है। तो कैश मार्केट में आप अपने हिसाब से शेयर को बाय कर सकते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि रिलायंस का शेयर अभी 2400 पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको लगता है कि यहाँ से रिलायंस का शेयर 3000 पे जाएगा, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को बाय कर सकते हो। 10 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो। ये होता है कैश मार्केट में। लेकिन फ्यूचर मार्केट में थोड़ा अलग टाइप का होता है। फ्यूचर मार्केट में आप क्वांटिटी अपने हिसाब से आप बाय नहीं कर सकते। फ्यूचर मार्केट में जो शेयर होते हैं ये लॉट में होता है। जैसे कि रिलायंस के एक लॉट में होता है 250 शेयर, तो आपको यहाँ पर पूरा लॉट खरीदना पड़ेगा। आप यहाँ पर एक क्वांटिटी लेने के लिए जाओगे तो आपको नहीं मिलेगी, आपको पूरा 250 शेयर का लॉट लेना पड़ेगा। तो ये पहला डिफरेंट होता है कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट में। और गाइस, कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट में दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंट होता है वो होता है टाइम का बाउंडेशन को लेकर। यानी कि मान लेते हैं कि आप कैश में किसी भी स्टॉक को बाय करते हो। सपोज़ एग्जांपल के लिए आपने रिलायंस को 50 क्वांटिटी बाय किया, तो आप चाहो तो इनको महीने के लिए होल्ड कर सकते हो, आप साल भर के लिए भी होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो इनका होल्ड करने का सिस्टम थोड़ा अलग है, वो हम आगे प्रैक्टिकल समझेंगे, लाइव डेमो करेंगे तब। तो गाइज़, आज के दिन हम फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए जिन स्टॉक को हम बाय करेंगे जिनका नाम है एशियन पेंट। किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए आपको सबसे पहले इनकी स्क्रिप्ट को वॉच लिस्ट पर ऐड करना होगा। इनको ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको ये सर्च वाला आइकॉन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपको सिंपली चले जाने का है और वहाँ पर जाकर आपको सबसे पहले टाइप करना पड़ेगा एशियन पेंट। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर एशियन पेंट ऐसा ही लिख देते तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे सामने कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमें दिखाई पड़ रहा है। ये जो तीन कॉन्ट्रैक्ट हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, अभी मार्च मंथ चल रहा है, तो ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर ट्रेडिंग का, ये है मार्च महीने का, यहाँ पर आप देख सकते हो। दूसरा है वो अप्रैल का और तीसरा है वो मई का है। बाकी नीचे कॉन्ट्रैक्ट हमें दिए गए वो ऑप्शन ट्रेडिंग का है, वो फ्यूचर का नहीं। फ्यूचर में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये जो तीन कॉन्ट्रैक्ट है, तीन में से किसी को आप बाय करना चाहते हो आप बाय कर सकते हो। चाहे आप मार्च का बाय करो, अप्रैल का करो और मई का करो, आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो तीन महीने में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो हम यहाँ पर मार्च महीने का कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना चाहते हैं, तो हम इनको सबसे पहले वॉच लिस्ट पर ऐड करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमें एक प्लस का आइकॉन दिखाई पड़ रहा है, सिंपली हमें इसके ऊपर क्लिक कर देने का है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लग चुका है हमारा। और यहाँ पर एशियन पेंट का शेयर की अगर आप प्राइस देखें तो अभी 2830 रुपये पर ट्रेड कर रहा है शेयर। लेकिन हम यहाँ पर मार्च का फ्यूचर हम देखें तो फ्यूचर अभी ट्रेड कर रहा है 2840 रुपये के आसपास, तो ये 10 रुपये आगे ट्रेड कर रहा है। जब भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करेगे, किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए जाओगे, तो इनका जो फ्यूचर है वो करंट भाव से थोड़ा आगे ही आपको दिखाई पड़ेगा। तो हमें इनको बाय करने के लिए सिंपली हमें इसके ऊपर पहले क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एक बाय का और दूसरा सेल का। तो हम बाय करना चाहते हैं तो हम सिंपली चले जाएंगे यहाँ पर बाय के ऊपर। कोई बाय और बाय के ऊपर जाते हैं तो हमें जैसे ही
कैश मार्केट में हमें स्टॉक बाय करने जाते हैं, वैसा ही हम सेम यहाँ पर भी यही प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है जो कि मैं आपको आगे आके जैसे जैसे पॉइंट आता जाएगा मैं आपको समझाता रहूँगा। पहला, यहाँ पर रेगुलर दिखाई पड़ रहा है, हमें रेगुलर ही रखने का है। इसके बाद क्वांटिटी आपको दिखाई पड़ रही है, अगर आप एक लॉट बाय करना चाहते हो तो यहाँ पर 200 शेयर आपको मिल रहा है, अगर आप दो लॉट बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ पर 400 कर सकते हो। प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद प्रोडक्ट टाइप में आपको दो ऑप्शन मिलता है, पहला इंट्राडे का और दूसरा ओवरनाइट का भी आपको ऑप्शन दिया जाता है। इसके बाद टाइप्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक मार्केट है और दूसरा लिमिट है। आप चाहो तो मार्केट के ऊपर भी रख कर बाई कर सकते हो और लिमिट में चाहो तो आप लिमिट में भी बाई कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे में बाई कर रहे हो तो आज के आज आपको बेचना पड़ेगा, 3:15 के पहले बेचना पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको निकलना ही पड़ेगा। लेकिन आप इनको होल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप ओवरनाइट रख कर भी आप इनको होल्ड कर सकते, यानी कि बाय कर सकते हो। हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो एक चीज़ हमें मार्क करने वाली दिखाई पड़ रही है, वो है इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 1,02,000 के आसपास कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है, जो कि शेयर की प्राइस अभी आप देखोगे तो चल रहा है 2840 पे, और ये क्वांटिटी हमारे पास है 200 क्वांटिटी, यानी कि 200 को 2840 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अमाउंट होता है लगभग देखा जाए तो 5.5 लाख के ऊपर होता है। लेकिन हमें यहाँ पर पूरा 5.5 लाख रुपया नहीं देने का, हमें सिर्फ मार्जिन मनी ही देने का है, और मार्जिन मनी कितना होता है तो लगभग 18 से 20% के आसपास ही होता है। तो यहाँ पर हमें देना पड़ रहा है 1,02,000 रुपया। तो गाइस फ्यूचर ट्रेडिंग में एक और बात हमें समझनी होगी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमें ये बाय करने जा रहे हैं वो अभी मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर सपोज़ कि हमने यहाँ पर बाय कर लिया और हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट बन रहा है वो 1,02,000 का बन रहा है और शेयर थोड़ा गिर गया और हमारा 2,02,000 के आसपास हमारा लॉस हो गया, अब हम चाहे तो इसमें से निकल सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी जो पोजीशन अभी लॉस में गई है वो टेम्पररी गई है, बाद में ये स्टॉक ऊपर जा सकता है और हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर जितना भी हमें लॉस होता है वो लॉस यानी कि इतना पैसा हमें ऐड करना होगा, ब्रोकर को देना होगा, इनको बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। और ये हम स्टॉक खरीदने के लिए जितना पैसा हम पे कर रहे हैं इनको बोलते हैं बाइंग मार्जिन। अगर हम यहाँ पर शॉर्ट में बोले तो मेंटेनेंस मार्जिन का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि अभी ये मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम इनको अप्रैल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो हमारा जितना भी लॉस होता है वो हमें मेंटेनेंस के द्वार पे ब्रोकर को पे करना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट होता है तो हमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में मिल जाएगा, कुछ इस तरह से इसमें सिस्टम होती है। तो हम यहाँ पर बाय कर रहे हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आप जब भी फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो आप हमेशा मार्केट रख कर कभी भी बाय मत करिए, आप हमेशा लिमिट रख कर ही बाय करिएगा। अगर शेयर नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, लेकिन इनमें जो प्राइस का मूवमेंट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, कई बार इनमें 5-5, 7-7 रुपये का मूवमेंट एकदम से आ जाता है फ्यूचर मार्केट में, और ऑप्शन मार्केट में तो ये से ज़्यादा आ जाता है, आपको सबको पता ही है। अगर ऐसे में अगर मार्केट प्राइस रख कर हम बाय करते हो तो कई बार महंगे रेट पर भी बाय हमें हो जाता है, तो बाद में हमें इसके वजह से भी लॉस होता है। तो हम यहाँ पर लिमिट ही रखेंगे, तो हम सबसे पहले क्वांटिटी में एक लॉट ही खरीदना चाहते हैं तो हम 200 ही रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लिमिट ही रखेंगे, प्रोडक्ट में हम ओवरनाइट ही रखेंगे, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हम डाल देते हैं 40, यानी कि अभी जो रेट चल रहा है वो 2843 रुपये चल रहा है, और ये जब 2840 पे आएगा तो हमारा बाय हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 40 को रख देते हैं।
तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि सब कुछ हमने सेट कर लिया है। टैप टू बाय करेंगे तो ये ऑर्डर हमारा सीधा प्लेस हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया। हमें इस ऑर्डर को देखने का है तो ऑर्डर्स में आकर हम देख सकते हैं, जैसे ये 2840 पे आएगा ये हमारा ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। तो गैस हमारे यहाँ पर बाइंग हो चुका है 2840 के ऊपर और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 260 रुपये का आसपास कुछ लॉस दिखा रहे हैं। अब ये 2840 पे आ गया है जहाँ पर हमने बाय किया था। अभी 300 रुपये का प्रॉफिट हमें दिखाई पड़ रहा है, 500 का कभी प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है। हम अगर इन पोजिशन को एग्जिट करना चाहते हो तो हम इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है, एक एड का और दूसरा एग्ज़िट का। तो हमें यहाँ पर एग्ज़िट के ऊपर क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ पर हमने ओवरनाइट रख कर बाय किया था तो ओवरनाइट ही रखेंगे और यहाँ पर हम मार्केट नहीं रखेंगे, हम लिमिट ही रखेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हो या ऑप्शन में तो आप मार्केट मत रखिए, आप लिमिट ही रखिएगा। यहाँ पर हम यहाँ प्राइस डाल देते हैं 44 पे, यानी कि 2844 पे आएगा तो ये बिक जाएगा। अभी 2842 पे चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर कर देंगे टैप टू सेल तो यहाँ पर ये हमारा ऑर्डर लग जाएगा। जैसे कि आप इनको देखने का है तो आप ऑर्डर ओपन ऑर्डर में जाकर देख सकते हैं। अभी 210 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। हम यहाँ पर ऑर्डर में देखते हैं तो यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर लग चुका है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये हमारा ऑर्डर है और अभी जो भाव चल रहा है इसके हिसाब से हमारा 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर एक बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि हमने जो ये मार्च का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। मार्च के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को हम अप्रैल में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, मान लेते हैं कि हमारा मार्च तक प्रॉफिट होगा तो ठीक है हम बेच के निकल जाएंगे, लेकिन हमारा 2000 का लॉस होता है तो और हमें इनको अप्रैल में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो हमारा जितना भी लॉस होता है यानी कि 2000 का लॉस हुआ है तो 2000 हमें ब्रोकर को देना पड़ेगा। इनको बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। आप इनको जितने महीने के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो उतने महीने के लिए आप इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कंडीशन सिर्फ एक इतना ही रहता है कि आपको यहाँ पर मेंटेनेंस मार्जिन है वो आपको देते रहने का है, यानी कि आपका जितना भी लॉस होता है वो आपको मेंटेनेंस मार्जिन के रूप में देना पड़ेगा। तो गाइस हमने यहाँ पर पूरा फ्यूचर मार्केट को समझ लिया है और हमारा यहाँ पर 800 रुपये का प्रॉफिट भी हो रहा है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाइए और हमें आप कमेंट कर पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल भी नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फॉर नाउ।